हे फैम, वेलकम बैक टू द टेंथ स्टार। अगर नई वीडियो लेके खान सर की पार्ट फिलहाल नहीं है साथ में, नेक्स्ट वीडियो में साथ होगा, उसको थोड़ा काम था। तो यस, हम और आप देखते हैं वीडियो खान सर कॉमेडी वीडियो। लड़कियां होशियार होती हैं, मुस्करा के गिनती भुला देती हैं। ओके, न्यू इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं वीडियो कैसी है। बट बिफोर मूविंग ऑन, अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड उसके साथ जो नोटिफिकेशन बेल है, हिट इट, जैसे जब भी ऐसी वीडियो आए फटाफट चले आओ और हम साथ में वीडियो देख के मजे लें। लेट्स बिगिन। लड़की सब बहुत होशियार होती है सब, मुस्कुरा के गोलगप्पा वाला की गिनती भुलवा देती है। लड़का रहेगा तो फेंक देगा, लड़की रहेगी पानी दीजिए। आप लोग बीड़ी बनाए हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है, हम तो बनाए हैं। देखिए लड़की, रिक्शा वाला ठेला वाला इसे पिएगा, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे, अपने भी डूबेंगे तुमको भी डुबाएंगे। सीबीएसई वाला पेंट, क्रिसमस ट्री, मेरी क्रिसमस। यही है बरसाना अपने वाला सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं रेन गेज। ए सुरेश, लाइटवा बंद कर। ए सुत, अबे तो पढ़े, अबे उन्हें बतियाएंगे हम। हम अपनी लाइफ में कभी भी सुबह उठ के पढ़िए नहीं पाए। क्या सदाबहार जंगलों में बड़े जीव जंतु अपना आश्रय बनाते हैं, और हाथी फंस जाएगी ससुराल में, घुस जाएगी गोपारों को, नहीं रह जाएगा। छोड़ रहे हैं हमें, छोट मोट जीव के लिए ठीक है वो, बड़का हाथी होती ना पतझड़ वाला मौसम खोजते हैं सब। पतझड़ी वन में ना थोड़ा पेड़ पौधे दूर दूर होते हैं सब, हाथी उती को बैठल जाएगा, नहीं तो सदाबहार में बैठेगी तो एक पेड़े गड़ जाएगा हमें, यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। इसमें ज्यादातर रोज वुड, आयरन वुड, आबनूस, महोबनी, आबनूस वगैरह, समझा गया कि नहीं? अगर ये लकड़ी, इनकी जो लकड़ियां होती है ना वो बड़ी कठोर होती है सब। आप उससे जंगला उंगला बनाइएगा ना, जैसे रंदा मारिएगा तो ससुराल छिलेबे नहीं करेगा, जबरदस्ती मारना पड़ेगा हथौड़ी से हुमच हुमच के, तो सोचेंगे कि उसमें 2 सेंटीमीटर छेदने का, हुमच के मारेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। भोज पत्र जितने बनते हैं ना वो सब इन्हीं सब कैटेगरी की लकड़ी पत्तियों के बनेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, भोज पत्र। हम लोग उसमें इन सब में से हम क्या बना सकते हैं, भोज पत्र। आप देखेंगे, आप चाट खाने जाइएगा या गोलगप्पा, तो एगो बरगद का पत्ती रख ले रहेगा, लेकिन कागज से पोछेगा ऐसे इतने बड़ा के साइज में रहेगा, जाएगा चाहिए तो एक बार बीच में से मोड़ेगा, इसे लीजिए ऐसे बना के दे देगा, यहाँ पे खा के फेंक दीजिए। लड़का रहेगा तो फेंक देगा, लड़की रहेगी पानी दीजिए। लड़की सब बहुत होशियार होती है सब, मुस्कुरा के गोलगप्पा वाला की गिनती भुलवा देती है। तो बेचारा कितना दिया था। इसीलिए कोई कोई गोलगप्पा वाले को देखिएगा ना, आपको 3 गो खिलाएगा, अकड़ का 5 गो हो गया, रीजन क्या है, अबे कुछ देर पहले उठागा ही लोगा। तो गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेगा, आप लोग पे निकाल देता है। ये तेंदू की पत्ती होती है छोटी छोटी, उसको कैंची से काट के चौकोर बना लिया जाता है, और फिर उसको उसमें बीड़ी का जो होता है मसाला उसको भर के ऐसे ऐसे गोल लपेट दिया जाता है, और उसके बाद से रस्सी से ऐसे बांध के एगो लकड़ी रखा जाता है उसको, लकड़ी से उसका मुंगा थूर के बंद कर दिया जाता है नीचे ऊपर से, और वहां पे बीड़ी बन गया। महिला, आप लोग बीड़ी बनाए हैं कि नहीं? हम तो बनाए हैं। हमारे नानी के घर जहाँ था ना, तो उसके अगल बगल में बहुत सारा इसी का कारखाना, मतलब कुछ बहुत बड़ा तो कारखाना होता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं ना, पत्ती पहुंचा देते हैं और आपका जो मसाला पड़ता है वो पहुंचा देते हैं। तो वो लोग देखे थे अगल बगल में खूब बनता था, तो हम लोग छोटे छोटे देखते थे कैसे बनेगा, तो 2-4 गो जाके बनाते थे, बिगाड़ के रख देते थे हम। तो हम लोग से थोड़ी बन पाएगा, प्रोफेशनली घर की महिलाएं बहुत अच्छा से उसको बना लेती है, काम हम कर लेंगे अपना, उसमें किसी को जाना भी नहीं है, महिलाओं के लिए रोजगार भी मिल गया उनको, आराम से बीड़ी भर दी गया, उसके बाद से 10-10 20-20 का बंडल बना के लगा दीजिए, बीड़ी पीते रहिए, रिक्शा वाला ठेला वाला इसे पिएगा, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगे बिताएंगे, अपने भी डूबेंगे तुमको भी डुबाएंगे। सर भी अलग, लेकिन जो 1500 से मीटर से ज्यादा है, यानी लगभग 2500 2500 मीटर की ऊंचाई पर है, ऐसे वन जो होते हैं इनके ऊपर क्या पड़ने लगता है, बर्फ पड़ने लगता है। तो अगर ये बरगद की तरह विशाल रहेंगे, या पीपल की तरह रहेंगे, या बेल की तरह बड़े बड़े रहेंगे, आम की तरह रहेंगे, अशोक के पेड़ की तरह रहेंगे, तो बर्फ इनको ढाप के हमेशा के लिए बर्बाद करके गिरा देगा। इसके ऊपर इतना ना बर्फ जम जाएगा कि अपने लोड से ये क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये ससुरा कम होशियार नहीं, ये भी क्या करता है, अपना पेड़वा जो है ना ये ऐसे बना लेता है, आओ सीबीएसई वाला पेड़, क्रिसमस ट्री, मेरी क्रिसमस। यही वाला हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, ससुरा कोण बना दिया, देख रहे हैं, इसे कहते हैं कोणधारी वन। लड़की सब कौन कौन चीज छोड़ के चल जाती है सब, अ कोना का है, अब किसका है ये, सोना है जी,
में सोना का कोई नहीं। किस लड़की का देखो कान में चेक कर लोगे, एको कहोगे आई, एको आई लगाई ले रहेगी को नोएंगे, टेढ़ हो जाएगा शरीर रहेगा। सब ये सब छोड़ने का चीज है। उसको जब बढ़िया, जब उसको पहनना ही है बढ़िया से करके, एको वेल्डिंग करा दो। जब डेली पहनना वेल्डिंग है तो उसको वेल्डिंग मरवा लो। तो मैं तो कौन चीज को ढक्कन रख ले रहे थे कहाँ ले, ताजमहल कहाँ है तो ना दिल्ली में बैठे ले। अब जैसे ताजमहल के बारे में कोई भी बताएगा तो यही ना बताएगा कि भाई ताजमहल की विशेषता क्या है। बाकी आपको ना याद रखना पड़ेगा कि आगरा में है। अब वो भुला जाइएगा तो फिर आप गजनी वाले हैं। आप गजनी में तो 15 मिनट में सब सब भुला जाता था। अब फिर उसको याद आता था जब तब, कोई ठीक नहीं रहता था, उसको याद कब आएगा। तो भारत के ज्यादातर जंगल कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय से कोई ऐसा जो घबराने वाली चीज नहीं होती है, वो एरिया को बता रहा है। जैसे आप लोग के आगे उष्ण कटिबंधीय नहीं लगता है, आप लोग के आगे बिहारी लगता है। तो ये क्या बताता है, किस चीज को बताता है, एरिया। अब किसी के आगे भैया जी लगा है, किसको बताता है, यूपी वाले को भैया जी बोला जाता है, हम महाराष्ट्र वाले को मराठी, वो कोड है। हालांकि भैया जी उतना फेमस नहीं है, कोड ऐसे वहां पे ना भैया नॉर्मल किसी को बोल देते हैं। हाँ आप बंगाल में दादा, तो दादा का, अब हम लोग के यहाँ दादा का मतलब पिताजी के पिताजी, लेकिन बंगाल में दादा का मतलब वो नहीं होता। दादा का मतलब बड़ा भाई, और दादा क्या कर रहे हो, मतलब रेस्पेक्ट की बात। अब हम लोग यहाँ किसी को मोटा कह देंगे और मोटा भाई तो गुस्सा आ जाएगा, मोटा कहता है। अब गुजरात में मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। हम लोग अगर रिस्पेक्ट आप अमित शाह जो है वो गुजरात से हैं तो उनको मोटा भाई कहिएगा यहाँ पे, तो लोग कहेंगे देख रहा है मजाक उड़ा रहा है उनका, मोटा है तो। लेकिन गुजरात में उन्हें सब लोग क्या कहता है, मोटा भाई ही कहता मोटा है। भाई, और वो जनरली किसी को भी, अब जैसे हम लोग ये में तो बिहार बालकोन में में सीखा अगर ज्यादा भाई। पैसा वाला है, और सेठ जी क्या हाल चाल है, तो सेठ जी मतलब वहां गुजरात में क्या चीज है, मोटा भाई है वहां पर। हालांकि आगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको सेंटीमीटर में वर्षा कैसे निकाला जाता है वो बता देंगे। रेन गेज, यहाँ रेन गेज है ना जी, तो रेन गेज से हम लोग वर्षा को किसमें नापते हैं, रेन गेज। उससे 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए, और इतना आपका 22, लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र में हर तरह की वनस्पति निकल जाते हैं सर, यही है वर्षा नापने वाला सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं, रेन गेज। तो यही ढक्कन है, ये तो मीटर निकल हुए है कितना सेंटीमीटर का है, बस हो गया रेनफॉल। ये एमएम में लिखा हुआ है, किसमें है, एमएम में हो गया। अब इसको छत्ते पे ले जाकर लगाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना इसमें इवन ही करेगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, खीप, समझ में गया, उलट जाएगा इसे, तो उलट ना जाए इसलिए इसको एक डाल देते हैं। समझ में गया, सिस्टम से रख दिए। अब आपको इतना एरिया पता है, इसका एरिया पता है, अब इसको छत पे रख देते हैं, इस एरिया में कितना बारिश होगा आप उसमें निकाल के नाप लेंगे, नाप लेंगे, बस काम खत्म। ज्योग्राफी का अब चालू होगा मैथ, 1 रुपया में 4 गो लड्डू तो 40 रुपया में कितना लड्डू हो गया, इतना दूर में इतना बारिश तो इतना दूर में कितना बारिश हो गया, रेन गेज निकल जाता है अब। ठीक है, तो ये वर्षा वाले में आपको पढ़ना है, अभी समझे। आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, आप देखिएगा जिस रूम में कोई सिंगल लड़का रहता होगा वो जब पढ़ेगा तो ठीक है पढ़ाई कर रहा है, रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी सोएगा तो सोने के टाइम लाइट क्या कर देगा, बंद कर देगा, उसका पतझड़ आ गया। लेकिन एक रूम में 5 गो लड़का रहेगा तो कोनो ससुर 11 बजे सूतेगा, कहेगा लाइट बंद करो रे, सूतना रे, लाइट बंद करे यार, वो सूतेगा 1 बजे, वो 1 बजे सूते जाए दूसरे का करे, ए सुरेश लाइटवा बंद करे, ए सूत अबे तो पढ़े अबे उन्हें बतियाएंगे हम। अब वो कहां तक चालू कर दिया, 3 बजे ले, फिर तले कोनो 3 बजे सूत के उठेगा, अलार्म लगाए हम 3 बजे से पढ़ाई करेंगे। वो सूतने गया तले उठ गया वहां पर, तो मकान मालिक देखेगा ससुरा इसकी यहाँ तो लाइट 24 घंटा जलता है, सोता नहीं है सब क्या, बिजली का बिल। रियली में देखेंगे कि सोता है सब, लेकिन उसमें कंसेप्ट लग रहा है कौन, सदाबहार वाला, समझ गया। तो वो रूम को क्या कहते हैं, सदाबहार रूम। क्या उसमें कोई नहीं सोता है, सोता है। आप में से कितने लोग सदाबहार रूम में रहते हैं, लड़की सब इस सब। तो भाई अब हॉस्टल में भी होता होगा, हम लोग के टाइम पे तो लाइट बंद करने के लिए कई को झगड़ा कर देता था सब, वो सोइए नहीं पाता था सब, लाइटवा जला दिए जाए तो अखिया पे सब गमछा बांध के सोता था, सूतना तो फेंक देंगे नीचे तो राम। हम अपनी लाइफ में कभी भी सुबह उठ के पढ़िए नहीं पाए, जब हम भोर में 4 बजे सोचेंगे, दादा सेम कहते थे 4 बजे भोर में उठ के पढ़ो, तो पढ़ते थे होता चार ही से है। छह खूब पढ़ेंगे और पूरा दिन भर भंगवाई लेंगे। उससे अच्छा आराम से हम 2 बजे तक पढ़ते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, 2 बजे 3 बजे तक, सो के उठेंगे 7 बजे आराम से। लेकिन ये गलती लड़का क्या करता है पता है,
सुतेगा 2 बजे और उठेगा सुबह 10 बजे। रे सचुआ इतना लंबा काहे सो रहा है? तो जितना आप में कोशिश कीजिए कि 12 बजे तक हार्डली सो जाए, 12 से बाद आप मत सोने की कोशिश कीजिए, और इधर 6 से 7 बजे उठने की कोशिश कीजिए। आपके लिए 6-7 घंटे की नींद बहुत ज्यादा है, और ज्यादा सदाबहार बनने की कोशिश नहीं कीजिए। नहीं करें, समझा गया कि नहीं? सदाबहार बनो में दैट वॉज इट। तो सदाबहार ना बनिए, बट सदाबहार लाइक्स दीजिए इस वीडियो पे अगर आपको मज़ा आया हो। अगेन एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो खान सर की, फन इन्फॉर्मेटिव, एंड खान सर का तो देखते ही मज़ा ही आता है। तो अगर आपको ये मज़ा आया हो मेरे साथ देखने में, तो मेक श्योर गिव अस अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।